हाय फ्रेंड, आज मैं पनीर मखनी बनाने जा रही हूँ। पनीर मैंने घर में ही फाड़ के बना लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। 2 टमाटर डाले काट के मैंने, 5 प्याज, मीडियम साइज के प्याज थे, ज़्यादा ना बड़े थे ना ज़्यादा छोटे थे, 3 या 4 हरी मिर्च, 6-7 लहसुन की कलियां, अदरक के टुकड़े रफली चॉप, हल्दी, हल्दी के बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, काजू 10 से 15 दाने, 1 चम्मच घी, और अब इन सबको मिला देंगे। और यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ नमक। नमक डालने के बाद मैं इसमें इसको कवर कर दूंगी। अब क्या है ना, प्याज जो है पानी खुद ब खुद छोड़ेगा। यदि आपकी इच्छा हो तो आप आधा कप के करीब करीब पानी मिला दें, आधा कप या 1 कप, उससे ज्यादा नहीं। और इसको बॉयल होने देना है। जब ये बॉयल हो जाए, 5 मिनट, 5 से 6 मिनट बॉयल करना है, तो इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, फ्राई पैन को गर्म होने देंगे और उसमें मैं मिला रही हूँ बटर। बटर गलना शुरू हो चुका है, तो अब इस जगह पे मैं डाल रही हूँ पनीर। ये मार्केट का पनीर नहीं है, घर का पनीर है, इसलिए आड़ा टेढ़ा थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसको मैं बस इसी तरह चलाऊंगी ताकि ये हर तरफ से हल्का हल्का फ्राई हो जाए। और यहाँ पे पनीर हल्का फ्राई हो चुका है, तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 1/2 चम्मच घी डाला है, 1। उसके बाद अब इस घी को गलने देंगे और इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी लाल मिर्च, देगी मिर्च। देगी मिर्च डालने के बाद अच्छी तरीके से चला दें। उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था ग्रेवी के लिए, उसे डाल देंगे। जो हमने सब्जियां बॉयल की थी ना ठंडा करने के बाद, उसका एक पेस्ट बना लिया था मैंने। तो अब ये पेस्ट डालने के बाद अब इस मसाले को एक साथ अच्छी तरीके से फ्राई करना है। यहाँ देखिए मसाला लगभग फ्राई हो चुका है, तो अब मैंने जो पनीर हल्का फ्राई करके रखा था उसे डाल दिया है मैंने। अब पनीर को मसालों के साथ हल्की हल्की हाथों से चलाएंगे ताकि पनीर टूटे भी नहीं। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, और फिर हल्के हाथों से चला देंगे। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने के बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, और इसे फिर अच्छी तरीके से चला देंगे और सीम हीट पे ही होने देना है। यहाँ पे मैंने सब्जी में थोड़ा सा पानी मिला दिया ताकि ये नीचे से लगे नहीं, थोड़ा सा ही पानी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ क्रीम। क्रीम डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से चला दिया है। तो आज हमारी सब्जी जो है वो थिक ग्रेवी के साथ रहेगी, और यहाँ पे हमारा पनीर मखनी बनके तैयार हो चुका है।